हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किया और क्या फीस है मेरी लाइब्रेरी की, टाइमिंग क्या है और मेरा लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरी पढ़ाई घर पर हो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उठती थी और बेसिक काम करती थी और थोड़ा बहुत अगर पढ़ना हुआ तो हो जाता था। मतलब कि घर पे मेरा बिल्कुल भी वो फ्लो नहीं बन पा रहा था पढ़ाई का, ना ही मेरा मन लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ, एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई शुरू होगी। तो अभी मेरा स्टार्टिंग ही है और मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन किए 7-8 दिन हुए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करने का वो बहुत अच्छा है। तो मेरी टाइमिंग है मेरा 12 से 6, तो मैं पहले भी जा सकती हूँ 1 घंटे, क्योंकि वो मतलब स्लॉट था 8 घंटे का, बट मुझे 5 से 6 घंटे का ही लेना था। तो वहाँ पे 6 घंटे का कोई मतलब ऐसा स्लॉट था नहीं, तो मैं 12 से 6 में अपना एडमिशन मैंने लिया। लेकिन मैं 11 बजे भी चली जाती हूँ, 12 बजे भी, और अगर उसके पहले जा सकती हूँ तो भी अलाउ है कि जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस लाइब्रेरी में हैं और वहाँ का रूल कैसा है। तो 10 से 6 के बीच में था मेरे लाइब्रेरी का टाइमिंग, 8 घंटे। और फी जो है यहाँ का, तो पर डे के हिसाब से 100 रुपये पड़ेंगे फी के, और 800 रुपये 10 से 6 बजे तक का था कि 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो मतलब आपके 800 रुपये लगेंगे। तो मैं 6 घंटे का मैंने लिया और मतलब मुझे रिक्वेस्ट ही करना पड़ा क्योंकि वो 8 घंटे का ही स्लॉट था। तो वो मेरा जो फ़ी था वो 600 रुपये मंथली मतलब लगेगा। और आपको क्या क्या मिलता है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में आपको खुद का एक चेयर मिलेगा और एक सेपरेट केबिन टाइप का ही ऐसे डेस्क बना रहेगा। अगर मेरे पास वहाँ का वीडियो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा होगा कुछ सेकंड का, तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी। तो आपको चेयर मिलेगा और वहाँ पे लाइट रहेगा और आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, और आप वहाँ पे चार्ज मतलब अपने फ़ोन से अगर पढ़ाई करते हैं तो चार्ज कर सकते हैं, और आपको एक लाइट मिलेगा टेबल पे। और माहौल तो बहुत अच्छा रहता है लाइब्रेरी का। सबसे बेनिफिट इसी चीज़ का है कि अगर आप आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो आपके पढ़ाई में तो इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मतलब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, पूरा शांति रहता है। तो आप कब तक नहीं पढ़ोगे या कब तक फ़ोन चलाओगे या कुछ और डिस्ट्रैक्ट कितना आपका माइंड होगा। तो आई थिंक आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। और मतलब वहाँ बच्चे बहुत शांति से पढ़ते हैं, आते हैं अपना लैपटॉप डेस्क और वो सब लेके, मतलब जो उनको ST वगैरह देना होता है टेस्ट, तो वो लोग टेस्ट वेस्ट देते हैं वहाँ पे। मतलब आपको जो ले जाना है ले जा सकते हैं, अपना फ़ोन ट्राइपॉड, आपको लैपटॉप ले जाना, बुक्स ले जाने हैं। और मेरे लाइब्रेरी में मतलब हर जगह होता होगा शायद, कुछ बुक्स भी अलग से रखी हैं, तो वो तो ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि लोग अपना ही बुक वगैरह लेके जाते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं, खुद पढ़ते हैं। तो अगर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है तो मस्ट है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलता है। बट एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी इतना वो नहीं है कि ये कंपल्सरी ही है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। अगर आप घर पे पढ़ सकते हैं, आपका आपके घर का माहौल है कि आप पढ़ सकते हो, और घर का माहौल नहीं, अगर आप खुद मतलब आपको खुद के ऊपर इतना कंट्रोलिंग पावर है कि आप मतलब अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे अपने रूम में और अपने घर पे, आपको काम है फिर काम निपटाने के बाद भी आप पढ़ सकते हो, तो आप घर पे पढ़ाई करिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो 600-800 रुपये दे के लाइब्रेरी ज्वाइन करें, और घर के जस्ट पास भी नहीं होता है, तो अगर वो ऑटो रिक्शा या किसी चीज़ से जाते हैं तो कन्विंस का पैसा लगना ही लगना है। और फिर थोड़ा उनको, जैसे जो लोग वो नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन ही करना है या आपके आसपास कोई कर रहा है, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए कि अगला ज़्यादा पढ़ रहा है। बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इसी पर्पज़ से लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तो आप घर पर भी उतने ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी का टाइमिंग मैंने बता दिया कि आपको टाइमिंग मेरा जो है वो 12 से 6 के बीच में, तो मैं पहले भी चली जाती हूँ, और लोग लंच लेके जाते हैं अपना या उनको कुछ खाना है तो उठ के जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं जा सकते, नहीं आ सकते हैं। और वहाँ पे वॉशरूम भी है, आपको पीने का पानी मिलता है, वाटर कूलर लगा है, तो वहाँ पे पानी भी है।
फिर मेरा मतलब लाइब्रेरी का ये टाइमिंग है, और जाते ही आपको साइन करना होता है, रजिस्टर रहता है तो आपको अपने नाम पे साइन करना होता है, और आपको निकलते समय भी अपना टाइमिंग लिखना होता है और साइन करना होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और कैमरा वगैरह तो लगा ही रहता है, तो ये सेफ्टी के लिए भी है कि आप आ रहे हैं तो आने का भी टाइमिंग नोट कराया हुआ है और जाने का भी। तो लाइब्रेरी का माहौल तो बहुत अच्छा है मेरे यहाँ का जो है, और वहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और एसी भी है, तो गर्मी में बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बच्चे अपना शोर कर रहे हैं या कुछ भी। हाँ, 5-6 घंटे 8 घंटे लगातार कोई भी नहीं पढ़ सकता है, और बहुत कम लोग ही होंगे जो फेंकते होंगे कि मैं 8 घंटा 10 घंटा बिना उठे पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ते होंगे। आई थिंक मुझे मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरा लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेन मकसद यही था कि मैं कुछ पढ़ पाऊँ और कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊँ अपने पढ़ाई को लेकर, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीटेट यूपीटेट और बाकी सारे पेपर्स होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरे मार्क्स बेकार आए। तो अगर आप लोग भी पढ़ नहीं पा रहे हैं और आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब बिल्कुल भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो आप एक बार 1 महीने के लिए या ट्रायल लेके 1-2 दिन अगर आपके घर के पास कोई लाइब्रेरी है तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा घंटे का नहीं लेना तो बहुत जगह 4-6 घंटे का भी मिल जाता है, तो आप ट्राई करिए। लेकिन अगर आप घर पे पढ़ पा रहे हैं तो पहले आप घर पे ही पढ़िए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।